आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड प्लांट में कैसे होता है? प्लांट ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ये क्या बनाएंगे, सोलार एनर्जी का यूज करके ये बनाएंगे केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा सुक्रोज सॉल्यूशन, यानी कि पहले तो ये होता है ग्लूकोज, इसके बाद ये सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन है ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। और इस क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये प्रेजेंट ज्यादातर होते हैं लीव्स में, कई बार ये स्टेम में भी होते हैं लेकिन खास करके लीव में होते हैं। तो लीव में जो फूड बनेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन हम फूड बोल सकते हैं। तो ये फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से हैं, ये रूट्स हो सकते हैं, सीड्स, फ्रूट्स, क्योंकि जहां जहां सेल है सभी को फूड की जरूरत होगी, तो वहां पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। और इस फ्लोएम में जो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा इसे हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, ये होगा प्रोसेस। और ये प्रोसेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एक्टिव प्रोसेस है। और यहाँ पे एटीपी कंजम्पशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो भी ये फ्लोएम है ये फूड मटेरियल लीव्स में बनाया जाता है उसे क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।